गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में 20 दिसंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। इनमें से कौन सा देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश बनेगा? चाइना, भारत, ऑस्ट्रेलिया या जापान? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, हनुक्का किस समूह या समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला उत्सव है? तो फ्रेंड्स, ये जो उत्सव है ना, ये यहूदियों का उत्सव है ना। कौन सा उत्सव है पूछा जा सकता है, हनुक्का, जो कि कौन मनाते हैं? तो यहूदियों द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहूदियों की जो सबसे ज्यादा संख्या है ये किस देश में है, तो याद रखेंगे इजराइल में है। अब ये जो फेस्टिवल है ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि हमारे देश की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने इजराइल के प्रेसिडेंट को क्या किया है, शुभकामनाएं दी है ना। तो इसलिए यह फेस्टिवल सुर्खियों में है। इस फेस्टिवल की बात की जाए फ्रेंड्स तो इसे रोशनी का त्योहार भी कहते हैं, यहूदियों की दिवाली भी इसे कहते हैं और यहूदियों का क्रिसमस भी इसे कहा जाता है। साथ ही में इसे प्रकाश वर्ष के नाम से भी जाना जाता है ना। तो याद रखेंगे क्योंकि सुर्खियों में है तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब डिस्कस कर लेते हैं इजराइल के बारे में। तो मैप में आप सभी देख पा रहे होंगे इजराइल की लोकेशन फ्रेंड्स, है ना। इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम है। यहाँ पर आप देखेंगे डेड सी से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मृत सागर है इसकी जो सीमा है वो किन दो देशों से लगती है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये है जॉर्डन और ये है इजराइल, यानी कि दो देश सीमा बनाते हैं किसके साथ, मृत सागर के साथ, है ना। ऊपर आप देखेंगे तो लेबनान आपको दिखाई देगा जस्ट इजराइल के ऊपर। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इजराइल की सीमा मेडिटेरियन सी से लगती है फ्रेंड्स, भूमध्य सागर से लगती है, तो आपका आंसर होगा यस। याद रखेंगे आप सभी कि जो इजराइल है इसकी सीमा किससे लगती है, तो मेडिटेरियन सी से लगती है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे इजराइल की संसद को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना है इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि जो ईरान है ना, ईरान की संसद को क्या कहते हैं। कमेंट्स में आप सभी आंसर करेंगे। हेरोन ड्रोन भारत ने किस देश से लिया है? तो ये भारत ने इजराइल से ही लिया है। किससे लिया है? इजराइल से। बराक 8 मिसाइल का निर्माण किन दो देशों ने मिलकर किया है? तो भारत और इजराइल ने मिलकर इस मिसाइल का निर्माण किया है। आयरन डोम पद्धति इजराइल का डिफेंस सिस्टम है फ्रेंड्स, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं इसी प्रकार का भारत के पास डिफेंस सिस्टम कौन सा है, तो इसका नाम है इंद्रजाल। याद रखेंगे ये भारत का है। आगे डिस्कस करेंगे कि इजराइल और यूएई के बीच कौन सा समझौता हुआ है। तो ये समझौता हाल ही में सुर्खियों में रहा था, इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम है अब्राहम अकाट, जो कि इजराइल और यूएई के बीच हुआ है। इजराइल की मुद्रा को सेकल कहते हैं। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, जबकि यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है इसाक। तो दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। तो ये इजराइल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगला सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अर्बन 20 सम्मेलन का लोगो अनावरण किया है। तो देखिए भूपेंद्र पटेल, जो कि लगातार दूसरी बार, याद रखेंगे आप सभी, लगातार दूसरी बार कहाँ के सीएम बने हैं? तो ये गुजरात के सीएम बने हैं। कहाँ के? गुजरात के, है ना। तो ये कहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, तो फ्रेंड्स गुजरात के हैं और इन्होंने अर्बन 20 सम्मेलन का लोगो अनावरण किया है, यानी कि लोगों का अनावरण किया गया है। अब ये अर्बन 20 क्या है ये पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि विरासत शहर अहमदाबाद फरवरी से जुलाई के बीच में G20 बैठकों के हिस्से के रूप में अर्बन 20 की मेजबानी करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्बन 20 का जो संबंध है ये किससे है, तो G20 से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है और भारत के अलग अलग शहरों में बैठकें आयोजित की जाएंगी, है ना। तो गुजरात में होगी फरवरी से जुलाई के बीच में बैठक। डिस्कस करेंगे गुजरात के बारे में, तो यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं यह है गुजरात। गुजरात की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है, महाराष्ट्र याद रखेंगे आप सभी, मध्य प्रदेश से लगती है और राजस्थान राज्य से लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा आपको याद रखनी है, पाकिस्तान से लगती है गुजरात की, है ना। सबसे लंबा जो तटीय रेखा वाला राज्य है भारत का वो है गुजरात। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, पूछा जा सकता है दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है ना। गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है फ्रेंड्स, है ना। अहमदाबाद किस झील के किनारे है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। साथ ही में गुजरात से याद रखेंगे दीसा एयरबेस, दीसा जो एयरबेस है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये गुजरात में बन रहा है फ्रेंड्स। सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य भी गुजरात बना है। कलोल जहां पर नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट लगाया गया है ये भी गुजरात में है। भूल भुलैया जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और ये भी कहाँ पर बनाई गई है, तो गुजरात में बनाई गई है ना। आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब जान लेते हैं G20 के बारे में। तो देखिए G20 में 19 देशों और ये एक यूरोपीय संघ शामिल है। अनौपचारिक रूप से ये एक समूह है जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। सदस्य देश कितने हैं, तो 19 इसमें शामिल हैं जिन्हें आप सभी देख सकते हैं। आपको याद रखना है कि भारत G20 का सदस्य देश है लेकिन G7 का भारत सदस्य देश नहीं है। मैप में भी आप सभी देख पा रहे होंगे जो कलर में आपको देश दिखाई दे रहे हैं ये सभी G20 के सदस्य देश हैं। G20 का अपना कोई सचिवालय, स्थायी या मुख्यालय नहीं है, ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। और यहाँ पर आप याद रखेंगे कि G20 के भारत में शेरपा कौन है, तो इनका नाम है अमिताभ कांत। अगला सवाल है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पहले कुलपति बने हैं अश्विनी वैष्णव जिन्हें आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे। और ये कहाँ पर है, तो बड़ौदा गुजरात में है। कहाँ पर है फ्रेंड, तो ये गुजरात में है जिसके पहले कुलपति बनाए गए हैं अश्विनी वैष्णव। नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की जो घोषणा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब की गई थी, तो फ्रेंड्स 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रसद लागत में कटौती, कार्गो संचालन क्षमता में वृद्धि, लागत को कम करना और बंदरगाह पर टर्न अराउंड समय को कम करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, जैसे कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, तो इनका नाम है आर वेंकटन मणि। भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS नियुक्त किया है, तो इनका नाम है अनिल चौहान। PM केयर फंड्स के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो इनका नाम है डॉक्टर PC रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया, तो देखिए इंडिया वाटर इंपैक्ट का जो 7वां संस्करण का उद्घाटन किया गया है वो जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। जल मंत्रालय कब बनाया गया था? तो जल मंत्रालय 2019 में बनाया गया है जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, है ना। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। पहला जिला पूछे तो बुरहानपुर है। आगे डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 1 नवंबर 2022 को निम्न में से कहां पर 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया? ग्रेटर नोएडा में ये किया गया था। 30 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मोरबी शहर में केबल पुल के गिरने से हुए हादसे में 134 से अधिक लोगों की मौत हो गई? तो फ्रेंड्स ये जो केबल पुल है ये हादसा कहां पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FIH नेशन कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर खिताब जीता है? तो फ्रेंड्स भारतीय टीम ने स्पेन को हराकर यह खिताब जीत लिया है। किसे हराकर? स्पेन को हराकर। अब देख लेते हैं स्पेन के बारे में। तो मैप में आप देखेंगे स्पेन कहाँ पर आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की मुद्रा है यूरो। स्पेन के वर्तमान में PM कौन है? पेड्रो साचेंथ है। स्पेन से संबंधित एक करंट अफेयर आपको यहाँ याद रखना है कि मध्य प्रदेश के हनुवंतिया जल उत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया था। पूछा जा सकता है कि हनुवंतिया जल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। SAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है ये किसने जीता है? बांग्लादेश ने। ड्यूरेंट कप 2022 बेंगलोर ने जीत लिया है। टेनिस टूर्नामेंट US ओपन 2022 पुरुष एकल का जो खिताब है ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है। क्रिकेट एशिया कप 2022 का जो खिताब है ये श्रीलंका ने जीत लिया है। अगला सवाल है कि कौन सी कंपनी FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023, आप सभी जानते हैं कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो पुरुष हॉकी विश्व कप है 2023 ये कहाँ होगा? उड़ीसा में, है ना। इसका आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो इसका आधिकारिक भागीदार बना है टाटा। अब डिस्कस करेंगे टाटा के बारे में। तो देखिए टाटा के जो संस्थापक थे वो जमशेद जी टाटा थे। टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। टाटा का मुख्यालय मुंबई में है। टाटा के वर्तमान में अध्यक्ष रतन टाटा हैं और टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का जो पहला प्लांट है वो जमशेदपुर में शुरू किया है। कहां पर? जमशेदपुर में। किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो फीफा का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर। ठीक है, जीता किसने है यह खिताब? तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने किसे हराया है? तो फ्रेंड्स फ्रांस को हराया है, यानी कि विजेता रहा है अर्जेंटीना और उपविजेता रहा है फ्रांस। आयोजन कहाँ किया गया था? तो कतर में हुआ था। फाइनल कहाँ पर हुआ है? तो कतर के लुसेल स्टेडियम में। पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा लुसेल स्टेडियम किस देश में है? तो ये कतर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एनिमल रिसोर्सेज फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का जो उद्घाटन है ये किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स ये जो उद्घाटन है वो हैदराबाद में हुआ है। कहां पर? हैदराबाद। उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो जो गृह प्रवेश कार्यक्रम है ना इसका शुभारंभ PM मोदी ने अगरतला में किया है। अगरतला किसकी राजधानी है? तो ये त्रिपुरा की राजधानी है जहां पर गृह प्रवेश का शुभारंभ किया गया। आगे डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे कि भारत और किस देश के बीच अगरतला अखूरा रेल संपर्क दिसंबर 2022 में शुरू होने की संभावना है, पूरा होने की संभावना है। तो ये बांग्लादेश के बीच है ना। अगरतला, त्रिपुरा, अखूरा याद रखेंगे कहाँ पर? बांग्लादेश। अमर सरकार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस राज्य सरकार ने COVID-19 के पोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके लोगों को वापस लाने के लिए अन्न विद लन नाम से एक नई योजना की शुरुआत की। तो ये जो नई योजना है बच्चों को वापस स्कूल में लाने के लिए, ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा ही शुरू की गई थी। यहाँ पर मैप में आप देखेंगे त्रिपुरा, त्रिपुरा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत पूछा जाता है, ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना। अगला सवाल है कि फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए गोल्डन बॉल जो अवार्ड है ये दिया गया है मेसी को। किसे दिया गया है? तो मेसी को दिया गया है। गोल्डन बॉल पूछे तो मेसी, गोल्डन बूट अगर आपसे पूछ ले तो नाम याद रखेंगे एमबीपे, अगर आपसे पूछ ले कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का गोल्डन ग्लव किसे दिया गया है तो उनका नाम है एमिलियानो। ठीक है, तो तीनों ही नाम आपको याद रखना है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश होगा, तो ये विश्व का पहला देश भारत होगा। कौन होगा फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे भारत होगा। अब रिवीजन करेंगे कल की क्लास का। तो मिसेस वर्ल्ड 2022 का जो खिताब है ये सरगम कौशल ने जीता है, जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, और 21 साल बाद भारत ने यह खिताब जीता। 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य कर दिए हैं। किसने? जापान ने। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और खेल के नियमन की सिफारिश करने के लिए टास्क फोर्स गठित की है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया है। लियो बराड किस देश के नए पीएम बने हैं? तो ये आयरलैंड के नए पीएम बने हैं फ्रेंड्स। भारत और निम्न में से कौन सा देश जनवरी 2023 में कांके संतुराई बंदरगाह और पांडिचेरी के बीच नौका सेवा शुरू करेगा? तो ये जो फेरी सेवा है ना, ये श्रीलंका के साथ शुरू करेगा भारत, है ना। सातवां पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव कहां पर हुआ है? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? भारत ने। किसे हराकर जीता है? बांग्लादेश को हराकर। निम्न में से किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मिशन सुबोट लॉन्च किया है? तो इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का जो अनावरण है ये किसने किया था? खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा किया गया। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? मोरक्को करेगा फ्रेंड्स, है ना। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लेना। तो चलिए डिस्कस करते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है फ्रेंड्स। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये सिक्किम में है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल किस वर्ष शुरुआत की गई थी इसकी? तो 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कल की क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। 1 जनवरी 2023 को बासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता किसने कौन ग्रहण करेगा? भारत करेगा। निम्न में से किस म्यूजियम ने हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार जीता है? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम ने। निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? चित्तरंजन दास। सही आंसर था ऑप्शन सी। 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी? किसके द्वारा? तो याद रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग। अब आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किस देश ने G21 नाम का अपना नवीनतम परमाणु स्थल बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है? अगला सवाल है कि मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मानित स्थल सम्मिलन स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। साथ ही में याद रखेंगे कि अक्टूबर 2022 से लेकर 20 दिसंबर 2022 यानी कि 3 महीने का करंट अफेयर इसकी क्लास हो चुकी है फ्रेंड्स, जिसकी लिंक आपको या तो क्लास के लास्ट में मिल जाएगी नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस क्लास को भी आप सभी देख सकते हैं। ये 3 महीने का करंट अफेयर है, इसके अलावा 6 महीने का करंट अफेयर भी हो चुका है, ये भी आप देख सकते हैं। एक ही वीडियो में 6 महीने का और दूसरी वीडियो में 3 महीने का करंट अफेयर कवर कराया गया है, तो ये दोनों ही वीडियो आप देख सकते हैं, है ना। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।